नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास। हर्बल स्टूडियो की तरफ से आपका स्वागत करते हुए आभार पिंक फेस्ट के सभी आयोजकों का, विशेषकर अमित कल्ला के साथ हम बात करने वाले हैं कला और अध्यात्म के बारे में। गीता फॉर एवरीवन के क्रम में विविध कलाओं के इस अनूठे संगम की बधाइयां आयोजकों को पेश करते हुए आइए आपको मिलवाते हैं इस अनूठे बहुआयामी कलाकार अमित कल्ला से। नमस्कार, ये पे आप सभी का स्वागत है और ये पिंक फेस्ट है। पिंक फेस्ट का ये हमारा तीसरा एडिशन है। पिंक फेस्ट दरअसल ये आपको देख के अचरज होगा, इतना जो बड़ा लवाजमा, इतनी जो वैविध्यता, इतनी जो डाइवर्सिटी, ये किसी सेक्रेटरेट ने नहीं की, ये किसी सरकार ने नहीं की, ये किसी इंस्टीट्यूशन ने नहीं की, ये सभी कलाकारों का एक सामूहिक प्रयास है, जिसमें हमारी कोशिश ये रही है कि हम जो विविध कला के जो आयाम हैं, जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, उन सबको हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ। देर इज़ अ डीप इंटर रिलेटिविटी, जिसको हम कहते हैं कि एक अंतर संबंध है सभी कलाओं में, इन वेरियस आर्ट फॉर्म्स, वेदर इट्स म्यूजिक, डांस, पोइट्री, सिनेमा, थिएटर, सबके अंदर कुछ ऐसे सूक्ष्म, कुछ ऐसे हम कहें कि उसकी एक ऐसी व्यष्टि और समष्टि है जो इन सबको को बाहर लेकर आती है। तो ये पिंक फेस्ट उन सभी तत्वों का एक समायोजन है। तो हम कहें कि सम जो शब्द है, सम, तो ये एक सम को कहीं ना कहीं प्रेषित करता है, और जिसके फिजिकल, जिसके हम कहें मेटाफिजिकल, जिसके हम कहें कि स्पिरिचुअल, जिस अलग अलग उसके नाम और रूप हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं, और ये एक उत्सव है, उत्स है, और भारत जो है वो एक उत्सवों का देश है, उत्सवों की एक प्रधानता है। हमारे यहाँ पर कल पल पल में, हर हम कहें हर प्रहर में कहीं उत्सव है। तो ये कलाओं का उत्सव है जो आपको सहिष्णु होना सिखाती है, जो आपको विनम्र बनाती है, जो आपको जीवन के साथ में जोड़ती है। ये ऐसे सिम्योटिक्स हैं विच कनेक्ट्स अ मैन विद द यूनिवर्स। तो ये एक पूरी मनुष्यता के होने की का एक उत्सव है, और हम शिव को हम कहते हैं कि वो कलाओं के देवता हैं, नटराज हैं, शिव रसेश्वर हैं, शिव महेश्वर हैं। तो ये उसकी एक साक्षात शिव की जो शक्ति, हम कहें कि हम कश्मीर शैविज्म में आता है कि स्पंदन, ये सब शिव का स्पंदन है जिसके हम अनुयायी हैं और उसको हम फील कर रहे हैं। मेरे साथ में अनीता जी हैं, जो दर्शक हैं, जो देख रही हैं, सबको अनुभूत कर रही हैं। अनीता जी, आपको ये सब देख के कैसा लगा, आप थोड़ा सा शेयर करें। बहुत अच्छा लगा। बस आर्ट के बारे में समझने की कोशिश ही चल रही है, जिसको आर्ट को हम बहुत एक छोटा सा रूप कह देते हैं, बहुत वर्सेटाइल है, यहाँ आके ही पता चलता है। तो ये सूक्ष्म में एक विराट के दर्शन है, जिसको हम सनातन कहते हैं, जिसको हम अनुभव करते हैं। अरुण जी हमारे साथ हैं। अरुण जी, आपको ये इस अनुभूति को आप कैसा देखते हैं, शेयर करते हैं? मेरे लिए अपने आप में एक विचित्र अनुभव है। मैं वैसे कला के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, यहाँ के इतना आनंद आया सर। मैं ये इसका, मेरे पास शब्दों में शब्द नहीं है कि मैं कैसे इसका आनंद ले रहा हूँ, कि किस तरह के विभिन्न क्षेत्रों में कला का उपयोग हो रहा है। ये जो दिखाया अतुलनीय है। नहीं, मुझे कबीर याद आते हैं। कबीर कहते थे कि तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता अखियन की देखी। तो अरुण और अनीता जी ने उस अखियन की देखी को अपने अपने शब्द भी दिए और अनुभूति के रूप में मैनिफेस्ट किया। तो आप सभी का धन्यवाद, अशोक जी आपका विशेषकर, कि आप दो दिन से इसको इस तरह से प्रसारणा कर रहे हैं, और भारत की जो बात है वो न्यूयॉर्क तक पहुंचा रहे हैं, वेस्ट तक पहुंचा रहे हैं। तो आप एक बड़ी कड़ी हैं हम इन दो संस्कृतियों को जोड़ने की। अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा था कि रामायण और महाभारत, गंगा, गायत्री, गीता, ये हमारी संस्कृति है और ये हमारे इतिहास में है, तो इससे बात होना जरूरी है। तो ये इसलिए से हमने इसको रखा था। अमित जी, मैं बहुत आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ, आपने समय निकाला, इतने सारे कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं यहाँ पे पिंक फेस्ट के अंतर्गत। मैं ये कई कलाकारों से ऐसा सुनता रहा, वो कहते हैं जो धर्म होता है, जो पारंपरिक रूप से एक स्वरूप है, वो सत्य के अनुसंधान या सत्य तक पहुंचने का है। वो कहते हैं हमारे लिए जो कला माध्यम ही सत्य तक पहुंचने का माध्यम है। तो इन दोनों के बीच में समन्वय के बारे में आपका क्या चिंतन है? देखिए, जो सत्य है, सत्य तो एक बहुत अलग विषय है। हम उसके और भी इंटेंस जब जर्नी करते हैं तो हम मोक्ष तक की यात्रा करते हैं, क्योंकि हमारे लिए मोक्ष भी एक बहुत अहमियत रखता है, और सर्जना और विसर्जना, और उसके मतलब विसर्जन भी नहीं है, वो एक और बड़ी एंटिटी है। तो एक जगह आता है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कि कला नाम प्रबरम चित्रम, धर्म कामार्थ मोक्षदम। तो ये एक ऐसा रास्ता है कि जिससे आप मोक्ष को भी अटेन करते हैं।
तो और बहुत सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ अशोक सर, तो ये अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। हमारे गुरुओं से जो हमने सीखा कि कला जो है वो अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। अभी तो बहुत बड़ी जर्नी है। एक बार मुझे याद है अच्छे से कि हमने उदयपुर बीकानेर में मेरी चित्र की प्रदर्शनी थी, मैं बहुत छोटा हुआ करता था उस समय, हालांकि अभी भी बड़ा नहीं हूँ लेकिन मेरी उम्र बहुत कम थी और ये तकरीबन 20-25 साल पुरानी बात है। तो सोमगिरी जी आए दोपहर के समय में एग्जीबिशन में देखने, मैं था, सोमगिरी जी थे। सोमगिरी जी ने देख के कहा कि अमित बेटा ये कर रहा है वो तो सब सही है, ये सब मैनिफेस्टेशन है उस शक्ति के, तो असल तत्व की को भूल नहीं जाना इन सब चीज़ों में। तो इसलिए कहीं ना कहीं आर्ट में एक ग्लैमर है, आर्ट में एक हम कहें कि एक चमक है, एक ग्लॉसी जिसको हम तत्व कहते हैं, लेकिन जो बियॉन्ड उसके जो असल मूल है कला का वो कहीं ना कहीं अध्यात्म है। तो उस अध्यात्म की स्थापना हर कला में होनी चाहिए। और चित्र जो है वो पहले वो कैनवस पे नहीं बनता जी, चित्र तो जो है वो चित्त में बनता है। तो चित्त चित्र की परंपरा है, जिन्होंने अजंता को कार्व किया, जिन्होंने मान लीजिए कंडरिया महादेव का टेंपल बनाया, जिन्होंने कोणार्क को स्कल्प्ट किया, वो योगी थे। तो हमारे यहाँ पे कलाकार नहीं हुआ, आर्टिस्ट नहीं हुआ, वहाँ योगी हुआ। आर्टिस्ट ने इंडिया के अंदर कभी सिग्नेचर नहीं किया, हमें नहीं पता जी कि इन शिल्पों के कौन निर्माता थे, हमें सिर्फ स्वयंभू दिखाई देते हैं, हमें कोई दूसरी चीज़ें दिखती है, सिंबल्स दिखते हैं, सिमियोटिक्स दिखते हैं, आर्टिस्ट का नाम नहीं होता है, क्योंकि ये कल्चरल वो है, वेस्ट जो है वो नाम के पीछे जाता है। तो ये एक अंतर है। तो कभी अपन ईस्ट और वेस्ट के इस एस्थेटिक्स पे, इन कॉनोटेशंस पे बातचीत करेंगे। बहुत एक मिनट में एक सवाल, ये जो पूरा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इतने सारे कलाकार हैं, इतनी सारी कलाकृतियाँ हैं, इतने सारे सेशंस हो रहे हैं, इस सब का कोऑर्डिनेशन करना बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा होगा। इस बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स यदि आप शेयर करें कि कितनी पेंटिंग कितने लोग हैं। सर देखिए ये बहुत सारे लोग हैं, तकरीबन 100 तो विजुअल आर्टिस्ट उन्होंने अपना काम को डिस्प्ले किया है, 20 आर्ट इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे, विवेकानंद केंद्र जैसी यहाँ पे संस्थाएं हैं जिनके कार्यकर्ता रात और दिन यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग जो आर्ट के जो वेरियस आर्टिशियंस हैं जो लोग ट्रेडिशनल काम करते हैं, पीछे भगवद्गीता पे उन्होंने लिखा है, सबसे सूक्ष्म भगवद्गीता यहाँ पे उसकी उपस्थिति है, क्राफ्ट की उपस्थिति है। तो ये एक इंटर हम कहेंगे मिंगलनेस, उस एलिमेंट को आप देख सकते हैं जिसको हम भारत कहते हैं। तो पूरा भारत यहाँ पर आपको दिखेगा, कोई सदर्न इंडिया से आया है, कोई ईस्टर्न इंडिया से, कोई वेस्टर्न इंडिया से, तो सबका यह समावेश है। अब आपका एक जो बड़ा प्रश्न था कि ये हो कैसे रहा है, तो हमारे देश में चीज़ें होती, मतलब कोई करता नहीं है, चीज़ें हो जाती हैं, है ना, बच्चे पैदा हो गए, शादियाँ हो गई हैं, कला बन गई। अब ये कैसे होता है ये तो भाई वो अपने एक वो जानता है, तो है ना, कौन जानता किसे पता। तो ये है अशोक जी, तो बड़ा चीज़ है, आपसे बात हो गई, बहुत ही आनंद आया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।